नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की आवाज। आइए जानते हैं इस वक्त की कुछ मुख्य खबरें। समस्तीपुर जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशानुसार जिले के दिव्यांग छात्र छात्राओं के द्वारा सफेद छड़ी दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान शिवनाथ रजक के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्ण दृष्टि बाधित बच्चों के द्वारा सफेद छड़ी के सहारे सड़क सुरक्षा का संदेश देते हुए पटेल मैदान से निकलकर गोलंबर पर घूमते हुए सड़क पार किया। यह कार्यक्रम पूर्ण दृष्टि बाधित बच्चों के लिए समाज में जागरूकता फैलाने की दृष्टि से किया गया है। इस कार्यक्रम के अवसर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर एवं दृष्टि बाद संसाधन के शिक्षक प्रमोद कुमार के द्वारा दो छात्र छात्राओं यास्मीन परवीन और मसूब आलम को डिजिटल सफेद सरी दिया गया। इसके मौके पर जिला समावेशी शिक्षा समन्वयक सुरेश कुमार, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी रमन कुमार पासवान, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर मनोज कुमार मिश्र, प्रखंड समावेशी शिक्षक प्रमोद कुमार, कन्हैया कुमार राय, अरशद कमरान, पवन कुमार शर्मा, राजेश कुमार, हर्षवर्धन प्रसाद सहित इत्यादि लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में पिंकी कुमारी, यास्मीन परवीन, मसूब आलम, मनीषा कुमारी, रिंकू कुमारी, कामिनी कुमारी, मोहम्मद कैफ सभी पूर्ण दृष्टि बाधित छात्र छात्राओं ने भाग लिया। समस्तीपुर जिला से अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि हमारे वो दृष्टि बाधित बच्चे, उनको भी यह नहीं लगे कि हम आत्म सुरक्षित नहीं, हम रोड पर नहीं चल सकते, उनके अंदर एक आत्मबल पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम कराया गया है। और हमारे ये बच्चे रोड पर आए हैं और अपने तन्मयता के साथ, आत्मविश्वास के साथ वो रोड पर अपने लिए रोड क्रॉस किए हैं। खास करके जो समस्तीपुर का ये जो व्यस्ततम ट्रैफिक है, इस पर वो चल करके लोगों को दिखाए हैं कि हम आपसे अलग नहीं हैं, हम समाज से हैं और हमें भी आपके साथ और आपके साथ चलने का और आपको हमें को अपने साथ लेने की जरूरत है। आज हमारे दृष्टि दिवस मनाया गया है। आज हम लोग को इनके लिए सरकार ने बहुत सुविधा दिया है कि हम लोग चल सकते हैं, हम लोग किसी सामान्य बच्चे से कमी नहीं है। हमारे लिए सब सर सहयोग है और आगे भी रहेंगे और हम लोगों को चलने के लिए कोई नहीं कह सकता है कि हाँ लाइन रोके भी नहीं चल सकती हूँ, लेकिन मैं चल सकती हूँ। मेरा पूर्ण आत्मविश्वास है कि हम चल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मुझे पहले लोगों सब ऐसे करते थे कि नहीं चल पाएंगे, लेकिन अब सरकार ने ऐसा कर दिए हैं कि हम लोग चल सकते हैं अपने एसटी के माध्यम से। हमारे सर सब बहुत सहयोगी किए हैं और हम इन सर सभी सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों को आगे पढ़ाई के लिए और हर चीज़ में सहयोग करेंगे। क्या नाम हुआ? कामिनी कुमारी। स्कूल का नाम? सर अपना परिचय देंगे। क्योंकि बच्चे फुल आत्मनिर्भर हो जाए और रोड पर चलने के लिए उसको कभी भी इंतजार नहीं हो, इसलिए राज्य के निर्देशानुसार आज हमारे पूरे जिले के 12 प्रखंडों में इस तरह के कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन जिला में यहाँ पर किया गया है क्योंकि बच्चे आत्मनिर्भर होकर के अपने रोड पर सफेद छड़ी के माध्यम से